अकबर साहब आप बयान बयान बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया। अकबर ऋषि साहब नाहिदा खाजी को बयान बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया। क्या मियां बीवी के झगड़े को क्या आज तक पे डालना, एनडीटीवी पे डालना? वो तो हुआ ना था पहले फुल चर्चे में। मियां बीवी के झगड़े आज तक पे आना एनडीटीवी पे आना? नहीं साहब, ये तो इसमें पार्टी इन्वॉल्व हो गई, पार्टी का नाम लेके बोल रहे ना। अरे पार्टी का मैं इतना बड़ा कह रही, ये ऐसे बहुत लोग निकलते मार्केट में, लोग तोड़ने की कोशिश करते, बदनाम करने की कोशिश करते, ये चलते रहता भाई, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात। कभी भी रहने दो, गाली नहीं देना। तो इसकी फॉरेंसिक वीडियो की नहीं, कभी भी रहने दो, कब की भी रहने दो, मुमताज अहमद खान साहब को गाली नहीं देना। अकबर साहब क्या करेंगे और ये हमला कराने वाले कौन है, तो इसमें इन्होंने जो पर्सनल बता रहे, छोटे बहन बोलते बोले तो वो मोले बहन समझिंग था। नहीं भाई, ये सर समझने समझाने का नहीं है जी, ये तो जो है कि मैं उसकी पार्टी है, उनको उसको हक है बोलने का जी, लेकिन अगर क्या उन्हें पार्टी का कॉर्पोरेटर है या पार्टी का एमएलए है या पार्टी का इस्तेदाई सदर का कोई कार्ड होल्ड करता या पार्टी की जो है कोई अहम मीटिंग्स में उसकी मौजूदगी कभी जाहिर हुई जी, ये नहीं रहता भाई। देखो पार्टी भी बड़ी नाप तोल के लेती। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई, सोशल मीडिया पे एक बात चल रही जी, जो एनआरक्यू न्यूज के चीफ एडिटर है जी, उनके मुताबिक वो कुछ हमला करे कराए, फिर उनके हस्बैंड आके स्टेटमेंट दिए, अकबर साहब से अपील कर रहे हैं, असद साहब से अपील कर रहे कि अकबर साहब की छोटे बहन है नाहिदा कादरी, उनके घर पे हमला हो गया बोल के पुकार रहे। अच्छा, तो इसमें अकबर साहब क्या करेंगे और ये हमला कराने वाले कौन है, और इनका जो स्टेटमेंट आ रहा वो पार्टी के खिलाफ आ रहा, फिर बोल रहे की हम पार्टी के है, फिर कभी पार्टी के खिलाफ बोल रहे, तो ये है क्या साहब? नहीं भाई देखिए, अकबर साहब का जो मसला है, छोटे बहन है बोलते, उम्मत की हर बेटी जो है हमारे जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की छोटी बहन ही थे जी, क्योंकि वो एक ऐसे कायद है जी, जो कि जो है हर एक को अपना मान के लेके चलते, चाहे वो अपना रहो गैर रहो कोई भी हो। तो इसमें जो पर्सनल बता रहे, छोटे बहन बोलते बोले तो वो मोले बहन समझिंग था। नहीं भाई, ऐसा समझने समझाने का नहीं है जी, ये तो जो है एक ऐसी बात है कि देखो भाई, अब मैं एक सवाल करता हूँ, मेरा सवाल का जवाब दो, ठंडे दिमाग से जवाब दो उसका। ये सब देखिए, मदरिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन किसकी पार्टी है? मुसलमानों की जमात है, माइनॉरिटी की जमात है बोलते साहब। मुसलमानों की जमात है, वो मुसलमान जो उसको नहीं मानता उसकी भी जमात मदरिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जी, यानी उन्हें नहीं मानता, नहीं मैं एमआईएम का नहीं हूँ बोलता, फिर भी उसकी पार्टी एमआईएम ही है। बुरे वक्त में तो एमआईएम कुछ पुकारते, देखिए बुरे वक्त अच्छे वक्त को छोड़ दो आप जी, पूरे हिंदुस्तानों में, अगर पूरे हिंदुस्तान में हर एक कम्युनिटी की एक पार्टी है जी साहब, अगर किसी की पार्टी नहीं है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं है वो जी साहब, और एक गिरती पड़ती एक आवाज हिंदुस्तान में बनी, वो आवाज का नाम मदरिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जी। मदरिस आवाज उठाती, वो आवाज का क्या असर होता नहीं होता वो एक अलग सब्जेक्ट है जी साहब, बहुत से लोगों का दिमाग क्या होता है आवाज उठा के असर होता साहब, अपोजिशन आवाज देती असर साहब की आवाज पे। मेरे भाई जरा सुनो, बहुत से लोगों का सवाल रहता जी भाई, आवाज उठाने से क्या है कुछ जी, कम से कम आवाज उठाने वाला तो कोई है बेशक, ये असल पॉइंट है जी। देखिए दलितों की एक पार्टी है, गांव की एक पार्टी है, रेडियो की डोमिनेटेड एक पार्टी है, काफों की एक पार्टी है, यादों की एक पार्टी की है, हर एक की एक पार्टी है, रेडियो की भी है साहब, कांग्रेस तेलंगाना में हर एक की पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में है जी साहब। अगर किसी की जो है सिखों की एक पार्टी है जी, हर एक की पार्टी है। सर सर सर, एक एक सवाल एक आया सर, मेरी बात को जरा कम जी जी, हर एक की एक पार्टी है, अगर किसी की पार्टी नहीं है तो वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो मुसलमान है उनकी नहीं है, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी नहीं, नहीं सेकंड लार्जेस्ट जी, मैं सेकंड लार्जेस्ट बोलता हूँ, माइनॉरिटी बोलता ही मुसलमान। अच्छा सर, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया की एक पार्टी नहीं है जी। अब वो पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की शक्ल में कहीं से उठी जी, कहीं जाके कोशिश करती, हमारी कोशिश में गिरते, हमारी कोशिश में हम रेंगते, हमारी कोशिश में हम हारते, हमारी कोशिश में बिहार की शक्ल में जीतने के बाद भाग जाते, हमारी शक्ल में, हमारी कोशिश में जो है परसों इलेक्शन में एक साहेब नॉमिनेशन लेके बुधवा भी हो गए, हमारी कोशिश बराबर रहती, तो ये आवाज जब उठती तो ये आवाज जो है ना ये मुसलमानों की आवाज है। तो ऐसे हालात में हर एक को हक है ये बात बोलने का कि मैं मजलिस का लीडर हूँ, मैं मजलिस का कार्यकर्ता हूँ, बोलने का हक है। अच्छा, आप जितने जितने मुखालिफिन की आप तकरीर सुनेंगे ना, वो लोग बोलते कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारी मतायज नहीं है बोलते वो लोग जी, आप जितने मुखालिफिन की तकरीर उठा के देख लो जी, उन लोगों का भी बोलना ये रहता है कि एमआईएम हमारी पार्टी है जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कांग्रेसी मुसलमानों में भी बैठ के देखा, वो लोग भी बोलते कि भाई हमारी पार्टी एमआईएम है बोलते, हम है कांग्रेस में वो अलग शक्ल है लेकिन हमारी पार्टी एमआईएम है जी साहब। आपकी ये सवाल से और एक सवाल ये है कि कांग्रेस के जो है, एक मिनट मेरी बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो ऐसे हालात में अगर कोई ये बोलता है
जैसा अभी आप बोले कि उन्होंने बोलते कि जो है एमआईएम के लीडर है बोल रहे, ऐसे हालात में अगर कोई ये बात बोलता है कि एमआईएम उसकी पार्टी है तो उसको हक है बोलने का जी। लेकिन अगर क्या उन्हें पार्टी का कॉर्पोरेटर है या पार्टी का एमएलए है या पार्टी का इब्तदाई सदर का कोई कार्ड होल्ड करता है या पार्टी की जो है कोई अहम मीटिंग्स में उसकी मौजूदगी कभी जाहिर हुई, ये नहीं रहता भाई। देखो पार्टी भी बड़ी नाप तोल के लेती, हाँ हकी खत्म, मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए आवाज उठाती। अब ये आवाज को तोड़ने के लिए ऐसे बहुत लोग निकलते मार्केट में, लोग तोड़ने की कोशिश करते, बदनाम करने की कोशिश करते, ये चलते रहता भाई, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी। सर अब जी जो AIMIM के MLA है और उनके बेटे के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, ये एलिगेशन कहाँ तक सही है? देखो भाई ये गलत बात है, आपको हक नहीं बनता आप किसी को जो है गाली दे रहे जी, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, 3 साल पुरानी है बोल रहे, कभी भी रहने दो गाली नहीं देना। तो इसकी फॉरेंसिक वीडियो की नहीं, कब की भी रहने दो, कब की भी रहने दो, मुमताज अहमद खान साहब को गाली नहीं देना, यासर अरफात साहब को गाली नहीं देना जी, ये गलत बात है। नाजिबाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसमें, अब पलट जा रहे वो दूसरे को बोले बोल रहे, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात। तो उनका उनका बोलना ये है कि हम उनको नहीं बोले, दूसरे लोग जो इनकी बेइज्जती कर रहे थे वो लोगों को बोले बोल रहे, दूसरों को भी नहीं बोलना, कैसा देते आप किसी माँ बहन नॉर्मल पर्सन को बोले बोल रहे साहब, आप नॉर्मल को भी कैसा माँ बहन की गाली देते भाई जी, कोई आपको कैसे गाली दे सकता हमारे भाई जी, कोई मेरे को कैसे गाली दे सकता। आपको अगर शिकायत है आप जमुरी अंदाज में आप उसके ऊपर जो है शिकायत दर्ज कराओ जी साहब, लेकिन आप गाली देने का हक किसी को नहीं। एक और एक बात यार है कि साहब लोग बोल रहे हैं, वो लोग सिर्फ उन लोग को स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उनके मीडिया वाले हैं, जो दूसरे मीडिया वाले उन लोग को स्टेटमेंट नहीं दे रहे बोल के, ऐसा लोगों का बयान है। और बहुत लोग उनको बोल रहे ड्रामा कर रहे, कुछ ना कुछ लोग आप चर्चे में रहना समथिंग, ऐसा ऐसा गैर गलत बातें बोल रहे, वो अल्लाह बेहतर जानता है सही है गलत है। अब क्या मियां बीवी के झगड़े को क्या आज तक पे डालना, एनडीटीवी पे डालना, वो तो हुआ ना था पहले फुल चर्चे में, मियां बीवी के झगड़े आज तक पे आना एनडीटीवी पे आना, नहीं साहब ये तो इसमें पार्टी इन्वॉल्व हो गई, पार्टी का नाम लेके बोल रहे ना। अरे पार्टी का मैं इतना बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया आपको, पार्टी इन्वॉल्व हो गई बोल तो हर मुसलमान की पार्टी है यार, वो ये पार्टी जिसको वोट नहीं देता उसकी भी पार्टी है एमआईएम। साहब सवाल ये है हमला कौन करे समझ नहीं आ रहा, इन्हों यहाँ से कैसा बुक कर रहे हो, वहां से कैसा बुक कर रहे। अब मैं इस्तखारा करके जवाब देता हूँ। अच्छा साहब आप किस तरफ है? मैं जिस तरफ मैं जो है सदर साहब रहती हूँ उस तरफ रहता हूँ। नहीं साहब ये जो मसला चल रहा है एनआरके वालों की तरफ है या फिर जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जो प्रूफ हुए नहीं हुए वो आने वाले टाइम पे मालूम होगा, सीसीएस में रिपोर्ट होगी, जो लोग इनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो केस होगा, तो आप एनआरके की तरफ है या फिर इधर की साइड है पूछ रहा हूं साहब। अरे मैं कहां जाऊंगा भाई, मैं अपने बीवी बच्चों की तरफ हूँ, मैं अपने अब्बा बाबा की तरफ हूँ, मैं अपने खानदान की तरफ हूँ।